तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप पहले देख सकें। ये मेरे कुछ चिक्स हैं और आज का हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग ऑफ चिक्स फॉर विंटर सीजन। क्या अपन सर्दियों में बच्चे निकालने चाहिए या गर्मियों में? मेरे हिसाब से तो सर्दियों में बच्चे निकलवाने चाहिए। ये अपने 80 से 90% रिजल्ट अपन को मिलता है। मैंने 10 अंडे रखे थे और मेरे पास 8 चिक्स निकले थे। 2 की तो मेरी डेथ हो गई है और ये 6 चिक्स अभी मेरे पास पड़े हैं। ये भी 1.5-2 महीने के आसपास के हो चुके हैं। और गर्मियों में क्या होता है सर, बच्चे तो निकलते हैं और वो पलते भी है, पर अंडे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में थोड़े कम होते हैं। तो मैं आज विंटर सीज़न में ये चिक्स कुछ निकलवाए हैं मैंने। ये देखो 1.5-2 महीने के हैं और ये मतलब इनके पहले मेरे को पता नहीं था कि इनको 36 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वो जब ये मतलब मोटिलिटी कम होती है तो फिर मैंने यूट्यूब कुछ वीडियो देखी थी, उससे उनसे मुझे पता चला और मैंने ये बल्ब की व्यवस्था की है। और मेरे पास पत्थरों से कुछ गुड्डा वगैरह बने हुए थे तो उसके अंदर रखकर बल्ब लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने मुर्गी अलग कर दी, बच्चों को अलग रखा मैंने। और फिर देखो आपके सामने कितने बड़े, कितने कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है इनका पानी वगैरह। और अभी मैं इनको बाजरा और दलिया दे रहा हूँ, गेहूँ का और फीड नहीं है। मैंने 1 महीने के आसपास इनको फीड दी थी ताकि जल्दी बड़े हो जाए, उनमें मोटिलिटी कम होए। तो मैंने अभी फीड दी, अब मैंने बंद कर दिया, दलिया और बाजरा दे रहा हूँ और देखिए तो तंदुरुस्त है। और मेरे कहना है कि सर्दियों में बच्चे निकालने चाहिए पर टेम्परेचर अपन को सेट करना पड़ता है भाई। गर्मियों में बच्चे तो निकलते पर कम निकलते, पर वो पल जाते क्योंकि जो इनको गर्मी चाहिए वो इनको गर्मी के सीजन में ऐसे में मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़े और अपने मेरे चैनल को। और ये खुदा हाफिज़।